अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाली कई जनजातियाँ ऐसी हैं जिन्हें उनके अनोखे रीति रिवाजों के चलते जाना जाता है। इनमें से एक है जुलू जनजाति। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली यह जनजाति भी अपने अनोखे रीति रिवाजों के लिए जानी जाती है। जुलू कबीले की बात करें तो ये अपनी भाषा बोलते हैं। जुलू कबीले के लोग पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करते हैं। राज तिलक की रात होने वाले राजा को एक अलग कमरे में ले जाया जाता है और कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। जुलू कबीले के लोग मिलनसार होते हैं। ये लोग उम्टू में विश्वास करते हैं जिसका सामान्य भाषा में मतलब मानवता से है। जुलू लोग मानते हैं कि मनुष्य सभी प्रजातियों में सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए उम्टू में दृढ़ विश्वास है। अन्य लोगों के साथ अच्छे बुरे व्यवहार से जुड़ी कहावतें कहकर वह इस विश्वास को दृढ़ करते हैं। कई अन्य कबीले हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक में रहते हैं लेकिन जुलू लोग कुछ खास मौके पर ही इसे पहनते हैं। जुलू लड़ाई में बहुत माहिर होते हैं। इसके अलावा जुलू लोग अपने किसी भी दुश्मन से लड़ाई कर सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका दुश्मन कितना ताकतवर है। 1879 में दक्षिण अफ्रीका में जुलू युद्ध हुआ था। 6 महीने तक चली इस लड़ाई में जुलू को हार का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश सरकार को जुलू लोग कई कारणों से चाहिए थे। उनमें से सबसे बड़ा कारण है दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खदान के लिए श्रमिकों की जरूरत। इसके अलावा अंग्रेज इस भूमि पर कब्जा भी चाहते थे। जुलू जनजाति में लड़कियों के शादी से पहले कुंवारेपन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कोई लड़की 21 साल की उम्र तक कुंवारी रहती है तो उसे कुंवारेपन की पार्टी दी जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जातीय समूह है। 20वीं शताब्दी के अंत तक इस जनजाति के लोगों की संख्या करीब 90 लाख थी। जुलू जनजाति के महिला थेम्बेला ने वॉइस इंडिया में लिखे आर्टिकल में अपनी जनजाति के रिवाजों की जानकारी दी थी। लड़की के परिजन इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी बेटी 21 साल की होने तक किसी से संबंध ना बना ले। लड़की के 21 साल की होने से पहले उसकी माँ उससे कुंवारे होने को लेकर सवाल पूछती है। कई बार लड़की को अपने कुंवारेपन की परीक्षा तक देनी पड़ती है। इसके लिए माँ लड़की को कुंवारेपन को टेस्ट करने वाली महिला के पास ले जाती है। अगर लड़की कुंवारी हुई तो पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। पार्टी में पूरे गाँव के लोगों और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। कुंवारेपन की पार्टी के लिए कुंवारी लड़की को खास तरीके से तैयार किया जाता है। उसे जुलू जनजाति के पारंपरिक परिधान पहनने होते हैं और शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रखना पड़ता है। जुलू जनजाति के पारंपरिक परिधान में महिलाएं ऊपरी हिस्सा खुला रखती हैं। इसी ड्रेस में लड़की को लोगों के सामने डांस करना होता है। लड़की को शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रखने के बाद गाय की फैटी टिश्यू पहनना होता है। डांस के दौरान लड़की को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि फैटी टिश्यू फट ना जाए। अगर ये फट जाए तो लड़की को अपमान सहना पड़ता है। लोग समझते हैं कि लड़की अपने कुंवारेपन को लेकर झूठ बोल रही है। कुंवारेपन की पार्टी में जानवर की बलि देकर भोजन करवाया जाता है। इस दौरान लड़की को महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं। लड़की और उसके परिवार के लिए ये कुंवारेपन की पार्टी यादगार होती है। इसके लिए 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। जनजाति के पुरुष भी कुंवारेपन की पार्टी में शामिल होने के लिए उत्सुक रहते हैं। दरअसल इस परंपरा में एक जुलू लड़की को नारित्व में परिवर्तन की याद दिलाई जाती है। सदियों पुरानी इस प्रथा में लड़की को उसके संस्कारों का पालन करने यानी कि शादी से पहले संबंध ना बनाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। घर वाले इस बात पर गर्व करते हैं कि 21 वर्ष तक उनकी बेटी कुंवारी है। जुलू कल्चर में शादी से पहले संबंध बनाने को अपवित्र माना जाता है। हालांकि अब महिलाओं की इसको लेकर सोच बदल रही है। कई महिलाएं इसे असमानता का प्रतीक मानती है क्योंकि पुरुषों के लिए ऐसी कोई प्रथा नहीं है। महिला और पुरुष दोनों के लिए समान नियम होने चाहिए। तो ये थे जुलू समुदाय के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।